Have you ever wondered कि अमीर इंसान अमीर और गरीब और ज्यादा गरीब क्यों होता है? क्या कभी सोचा है कि दुनिया में जितने भी एफ्लुएंट्स हुए हैं वो बिजनेसमैन ही क्यों? And do you know, tax poor और मिडिल क्लास इंसान को गरीब बनाता है और अमीर इंसान को और ज्यादा अमीर। And so we are here to provide you the ultimate knowledge for self-improvement and finance through the best learning from excellent books on these topics. If you are curious to learn, then make sure to subscribe, evolve. तो आज की वीडियो है एक बहुत ही फेमस पर्सनल फाइनेंस बुक रिच डैड पुअर डैड के चैप्टर 1 पे, जो कि रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखी है। यार, सभी की जिंदगी में कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो उनकी जिंदगी को इन्फ्लुएंस करते हैं और उन्हें कुछ पर्सपेक्टिव्स देते हैं दुनिया को देखने के, और हमारी जिंदगी आगे कैसी होगी काफी हद तक ये पर्सपेक्टिव्स ही डिसाइड करते हैं। तो एक आदमी थे रॉबर्ट कियोसाकी, जिनके दो पिता थे, खून के रिश्ते से नहीं पर इन्हीं पर्सपेक्टिव्स के रिश्ते से। जो उनके सगे पिता थे उन्हें वो पुअर डैड कहते, और जो उनके बेस्ट फ्रेंड माइक के पिता थे उन्हें रिच डैड। उनके पुअर डैड वॉज हाईली एजुकेटेड, फिर भी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहे, अच्छी इनकम होने के बावजूद और मरने के बाद भी बच्चों के लिए बिल्स छोड़ कर गए। एंड रिच डैड, जिन्होंने 8वीं तक की पढ़ाई पूरी नहीं की, हवाई के सबसे रिचेस्ट आदमी बने और बच्चों के लिए भी मिलियंस छोड़ कर गए। पर रॉबर्ट के सामने परेशानी ये थी कि जब ये दोनों उन्हें सिखा रहे थे तब रिच डैड रिच नहीं थे और पुअर डैड पुअर नहीं थे, तो वो दोनों के कंट्रास्टिंग पॉइंट ऑफ व्यूज पे बड़ा सोच समझ के डिसीजन लेते और इससे उनकी आगे की जिंदगी काफी सिंपलीफाई हुई। फिर 9 साल की उम्र से ही रॉबर्ट ने पुअर डैड की बात मानना छोड़ दिया। एंड ही सेज दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोयम द रोड नॉट टेकन के रेफरेंस से। पर ऐसा हुआ क्या कि उतनी अच्छी एजुकेशन के बावजूद उनके सगे पिता पुअर डैड बने? तो रॉबर्ट इसका रीजन फाइनेंशियल लिटरेसी और पैसे के लिए जो हमारा माइंडसेट है उसे देते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए रॉबर्ट कहते हैं कि प्रॉब्लम ये है कि पैसे के बारे में हमें स्कूल्स में नहीं सिखाया जाता, हम घर से या समाज से सीखते हैं कि पैसे को कैसे हैंडल करना है, और अमीर आदमी के अमीर और गरीब के और ज्यादा गरीब बनने के लिए ये एक रीजन है, क्योंकि कोई पुअर या मिडिल क्लास बैकग्राउंड का बच्चा पैसे के बारे में क्या सीखता है? यही कि स्कूल जाओ, हार्डवर्क करो, पूरी मेहनत से पढ़ाई करो ताकि अच्छी जॉब ले सको और पैसे कमा पाओ। वो बच्चा भले ही बहुत अच्छे नंबर ले आए पर पैसे के मामले में इलिटरेट रह जाता है, और माइंडसेट के लिए पुअर डैड अपने ब्रिलियंट माइंड को पैसे के मामले में शांत कर देते। कोई एक्सपेंसिव चीज लेनी हो तो वो कह देते कि मैं ये नहीं ले सकता, जबकि रिच डैड एक्सरसाइज हिज ब्रेन, वो खुद से पूछते कि मैं ये कैसे ले सकता हूँ। पुअर डैड कहते स्टडी हार्ड ताकि किसी अच्छी कंपनी में जाकर जॉब कर सको, रिच डैड कहते स्टडी हार्ड ताकि किसी अच्छी कंपनी को खरीद सको। वन सेड व्हेन इट कम्स टू मनी प्ले इट सेफ टू नॉट टेक रिस्क, एंड अदर सेड लर्न टू मैनेज रिस्क। एक डैड अपना और अपनी जरूरतों का ख्याल रखने के लिए कंपनी या फिर गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट रहते, वो हमेशा इंक्रीमेंट, रिटायरमेंट के बाद के प्लान, मेडिकल बेनिफिट्स, सिक लीव्स और वेकेशंस के बारे में सोचते और कहते कि मैं सरकार के लिए मेहनत करता हूँ एंड आई एम एंटाइटल्ड फॉर दिस, जबकि दूसरे पिता पैसे के लिए खुद पर डिपेंडेंट थे। एक कहते द रीजन आई एम नॉट रिच इज आई हैव यू किड्स, एंड अदर सेड रीजन आई मस्ट बी रिच इज आई हैव यू किड्स। इसी कारण रॉबर्ट कहते हैं कि पुअर डैड अपनी सैलरी की वजह से पुअर नहीं बने, क्योंकि वो तो अच्छी थी, पर पैसे के बारे में अपनी नॉलेज और माइंडसेट की वजह से गरीब बने। 9 साल की उम्र से ही रिच डैड ने रॉबर्ट को 6 मेन लेसन सिखाए, विच आंसर्स द क्वेश्चन यू सॉ इन द स्टार्टिंग ऑफ वीडियो। लेसन नंबर 1 बीइंग पुअर एंड मिडिल क्लास वर्क फॉर मनी, रिच मेक्स मनी वर्क फॉर देम। मतलब कि जो इंसान हमेशा पैसे के लिए ही काम करता है वही गरीब रह जाता है, और जो पैसे से अपने लिए काम करवाता है बिकम्स रिच। पर ये सब होता कैसे है? यार, बचपन से ही जब हमारी ग्रोथ होनी शुरू होती है तो हम 3 जगहों से सीखना शुरू करते हैं, अपने घर से, स्कूल से और आसपास के एनवायरनमेंट से। पर दिक्कत ये होती है कि किसी भी पुअर या फिर मिडिल क्लास इंसान को तीनों जगहों से पैसे के बारे में कोई सही नॉलेज नहीं मिलती। वो पैसे के बारे में क्या सीखते हैं? कि जो पैसे खर्च नहीं करता वो कंजूस है, जो खूब खर्च करता है वो दिलदार है, अगर पैसे कमाने हैं, अच्छा करियर बिल्ड करना है तो अच्छी से अच्छी जॉब करनी है, और जॉब कैसे करनी है वो स्कूल्स बहुत अच्छे से सिखाते हैं। स्कूल्स ही नहीं, कॉलेजेस भी सिर्फ जॉब पे ही फोकस करते हैं। इवन सिर्फ MBA किसी को ओनर नहीं बनाता, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री वाला भी जॉब करता है, और जॉब पैसे के लिए काम करना है, जिसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे आपकी अपर लिमिट कोई और डिसाइड करता है। मतलब आप चाहे कितना ही हार्डवर्क कर लो पर आप कितना अर्न करोगे ये डिसाइड करने वाला कोई और है। किसी एम्प्लॉय की जो डिफाइंड सैलरी है वो उसे पूरी नहीं मिलती, एम्प्लॉय के हार्डवर्क से सबसे पहला शेयर गवर्नमेंट लेती है एज टैक्स, और जितनी ज्यादा सैलरी बढ़ती है उतना ही टैक्स भी बढ़ता जाता है। और इसके अलावा एक एम्प्लॉय की लाइफ बड़ी पैथेटिक है, जो कि रॉबर्ट को रिच डैड 9 साल की उम्र में सिखाते हैं। तो जब रॉबर्ट 9 साल के थे उनके एक फ्रेंड ने उन्हें और माइक को अपने एक सेलिब्रेशन में इनवाइट नहीं किया क्योंकि वो थोड़े गरीब थे। इससे रॉबर्ट को बहुत गुस्सा आया और उन्हें अब अमीर बनना था,
तो वो रिच डैड के पास पहुंचे और उनसे पूछा कि क्या आप मुझे बता सकते हो कि अमीर कैसे बनते हैं। डैड ने कहा कि हाँ, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, पर तुम्हें मेरे लिए हर सैटरडे 3 घंटे काम करना पड़ेगा और मैं तुम्हें 10 सेंट पर आवर पे करूंगा। रॉबर्ट और उनके बेस्ट फ्रेंड माइक दोनों ने 3 हफ्तों तक काम किया, पर अब वो परेशान हो चुके थे क्योंकि 10 सेंट पर आवर बहुत कम थे। तो वो परेशान होकर पुअर डैड के पास गए, उन्हें सब कुछ बताया और पुअर डैड ने कहा, माइक्स डैड इज वायलेटिंग चाइल्ड लेबर, तुम या तो काम छोड़ दो या फिर 25 सेंट पर आवर की डिमांड करो। रॉबर्ट वेंट टू रिच डैड, पर इस बार उनसे मिलने के लिए उसे बहुत देर ऑफिस के बाहर इंतजार करना पड़ा। और जब मुलाकात हुई तो रॉबर्ट ने अपनी सारी भड़ास निकाली कि आपको सिर्फ पैसे चाहिए, अपने एम्प्लॉइज की कोई कद्र नहीं है, मुझसे इतना इंतजार करवाया, मैं बस एक छोटा सा बच्चा हूँ एंड डिजर्व टू बी ट्रीटेड बेटर। रिच डैड सेड, 1 महीने से भी कम समय में यू साउंड लाइक मोस्ट ऑफ माई एम्प्लॉइज। किड शाउटेड, आपने मुझे सिखाने का वादा किया था और मुझे कुछ भी नहीं सिखाया, मुझसे बस काम करवाते रहे। डैड सेड, तुम्हें ये कैसे लगा कि मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाया? सिखाने का मतलब बोलना या लेक्चर देना नहीं है, ये वो तरीका है जैसे तुम स्कूल में सीखते हो, और लाइफ ऐसे नहीं सिखाती। लाइफ पुशेज यू अराउंड, और अगर तुम लाइफ लेसन सीखो तो कुछ अच्छा करोगे। कुछ होते हैं जो लाइफ के धक्के खाते रहते हैं और कुछ होते हैं जो पलट कर जवाब देते हैं, पर अपने बॉस या अपनी जॉब को, जबकि परेशान करने वाले ये लोग नहीं, उनकी खुद की जिंदगी होती है क्योंकि वो पैसे के लिए काम कर रहे हैं। कुछ ही होते हैं जो लेसन को सीख कर आगे बढ़ते हैं। तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो तो कहीं तुम उनमें से ना हो जो लाइफ के पुश करने पर हमेशा हार मान लेते हैं, और अगर तुम ऐसे हो तो यू विल एंड अप प्लेइंग इट सेफ और एक बोरिंग ओल्ड मैन बनके मर जाओगे। तुम्हारे बहुत से ऐसे दोस्त होंगे जो तुम्हें बेहद पसंद करेंगे क्योंकि यू आर अ रियली नाइस हार्ड वर्किंग गाय, पर डीप डाउन तुम जानोगे कि तुम रिस्क लेने से डरते थे। तुम जीतना चाहते थे पर जीतने की खुशी से तुम्हारे हारने का डर बड़ा था। अब बेहतर ये होगा कि तुम मुझे प्रॉब्लम समझने के बजाय खुद को प्रॉब्लम समझो, क्योंकि खुद को प्रॉब्लम समझने से तुम खुद को अपग्रेड करोगे और ऊंचे बनोगे। एंड रिमेंबर, इट्स इजियर टू चेंज योरसेल्फ देन एनीवन एल्स। बट किड सेड, आपने मुझे सिर्फ 10 सेंट दिए और अब मुझे ज्यादा पे नहीं किया तो मैं काम छोड़ दूंगा। डैड सेड, बहुत अच्छे, बहुत से लोग ऐसा ही करते हैं, वो किसी और को प्रॉब्लम समझ के या तो अपने बॉस के बदल जाने का इंतजार करते हैं या फिर ज्यादा सैलरी वाली नई जॉब ढूंढते हैं ये सोचकर कि ज्यादा पैसे से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, पर ऐसा नहीं होता क्योंकि सैलरी बढ़ने के साथ साथ वो खर्चे भी बढ़ा देते हैं और फिर से उसी हालत पर आ जाते हैं। पर मैं खुश हूँ कि तुम्हें 10 सेंट पर आवर के लिए काम करने में गुस्सा आया, वरना कुछ लोग जॉब खो बैठने के डर से कम पैसों के लिए ही काम करते रहते हैं। उनका जॉब ना छोड़ सकने का डर उन्हें एक्सप्लॉइट करता है, पर वो कहते हैं कि उनका कम सैलरी देने वाला बॉस उन्हें एक्सप्लॉइट करता है। इसीलिए मैंने तुम्हें सिर्फ 10 सेंट पे किए ताकि तुम्हें असल जिंदगी दिखा सकूं। तुम जब पैसे की वजह से 3 घंटे शेल्फ से कैन उतार कर उन्हें साफ करके फ्रीज कर रहे थे, और जब तुमने मुझसे मिलने के लिए मेरे ऑफिस के बाहर बहुत देर तक इंतजार किया तो तुम्हें कैसा महसूस हुआ? फ्रस्ट्रेटेड ना? और अगर तुम अपने पिछले 3 हफ्तों की उसी फीलिंग को 50 ईयर से मल्टीप्लाई करो तो तुम्हें महसूस होगा कि जो लोग जॉब करते हैं या फिर पैसे के लिए काम करते हैं वो कैसे जीते हैं। अब केवल 9 साल की उम्र में ही तुम ये सीख चुके हो कि पैसे के लिए काम करना कितना स्ट्रेसफुल और फ्रस्ट्रेटिंग है। पर कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि आई एम इंटरेस्टेड इन माई जॉब, पर फिर भी फाइनेंशियली इलिटरेट होने की वजह से पैसे के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं। रॉबर्ट सेड, तो मैं पैसे से खुद के लिए काम करवाना कैसे सीखूं और फाइनेंशियली लिटरेट कैसे बनूं? पर यार, पैसे से खुद के लिए काम करवाना सीखने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि पैसे से खुद के लिए काम करवाना सीखना या फिर फाइनेंशियली भी लिटरेट होना क्यों जरूरी है। क्योंकि इतना तो सब जानते हैं कि अगर कुछ कमा रहे हो तो कुछ खर्च करो और कुछ बैंक में सेव करो, अब ज्यादा क्या। तो यार, एक आदमी थे निकोला टेस्ला, जो कि एक्सलेंट इनोवेटर थे और उन्होंने बहुत से मेजर इन्वेंशन किए, बट ही डाइड इन पॉवर्टी क्योंकि उन्हें मार्केटिंग के बारे में नॉलेज नहीं थी। वो अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए किसी और पे डिपेंडेंट थे। अब ऐसा नहीं था कि उन्होंने पैसा कमाया नहीं, पर जो कमाया वो उससे अपने लिए काम करवा के और ज्यादा अर्न नहीं कर पाए। और अगर वो भी फाइनेंशियली लिटरेट होते तो शायद आज सबके पास फ्री इलेक्ट्रिसिटी होती, एज ही डिडंट हैड इनफ मनी टू मेक टेस्ला डाउन। नाउ इफ यू वांट टू लर्न मेकिंग मनी वर्क फॉर योरसेल्फ, देन स्टे कनेक्टेड एज वी विल टॉक अबाउट इट इन द नेक्स्ट वीडियो। इफ यू फाउंड समथिंग न्यू एंड यूजफुल, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।